गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, किवें हो? उम्मीद करते हैं तुसीं ठीक होवोगे। ते अज आपां अपना अगला अक्षर यानी कि आपां अपनी अगली लाइन जो कि उड़े आड़ी दी यानी कि वर्णमाला दी आखिरी लाइन है वो है बेटा सस्से पैर बिंदी शशा ते खखे पैर बिंदी खखा। इन्हां दा जिहड़े फॉर्मेशन है बेटा सस्से ते खखे दी तुसीं कीती होई है, पर जदों इहदे नीचे बिंदी लग जांदी है तां इहदा जिहड़ा उच्चारण है वह थोड़ा जिहा चेंज हो जांदा है। तो आओ आप अपना काम शुरू करते हैं। अज आप दो काम करांगे, दोनों पेजों के उत्ते अज की डेट ते अज का दिन लिख लेना है, फिर देखो अते लिखो हैडिंग। तो सब तो पहला बेटा मैं थोनू सस्से पैर बिंदी शशा उहदे बारे दसूंगी, तो दूजा खखे पैर बिंदी खखा बारे दसूंगी। ठीक है, सब तो पहला जदों आप सस्सा लिखते हाँ तो जो आप नीचे बिंदी लगा दें तो यह शशा बन जाता, यानी कि शशा शलगम है ना, शशा शेर। ठीक है बच्चे, उस तरह फॉर्मेशन सेम है बट जो सस्से पैर थले बिंदी लग गया वो शशा बन गया। इस तरह तुसी एक लाइन के विच तुहानू पता है चार बार लिख के ते तुसी इहदियां चार पांच लाइना काम विच करते हो। तो ये ही अज बेटा खखा खखे पैर बिंदी खखा। तो आप जो सिंपल खखा बोलते हैं तो आप थोड़ी जी घट डीपली लैके जाने डूंगा लैके जाने, लेकिन जो आप खखे पैर बिंदी बोलना तो थोड़ा डूंगाई लैके जाना खखा। ठीक है, तो खखा खरबूजा खखा खुरमाणी। ठीक है बेटा, तो खखे की फॉर्मेशन लिख के तो वो साइड के उत्ते आप बिंदी लगा देंगे। इस तरह खखे की फॉर्मेशन तुसी कीती हुई है सेम उस तरह पाके जो आप साइड से बिंदी लाने तो खखा। इस तरह फॉर्मेशन सेम है बट जो उच्चारण है वह बन गया खखा। इस तरह ये दोनों काम अलग अलग पेज से करके तुसी मैनू भेजने हैं। तो उम्मीद करते हो थोनू अज का काम बहुत चंगी तरह समझ आ गया होगा। फिर दोबारा मिलांगे, बाय, हैव अ नाइस डे।